राधे कृष्ण दोस्तों, एकादशी को सभी व्रतों में सबसे प्रमुख माना गया है। इस बार वरुथिनी एकादशी 4 मई शनिवार 2024 को मनाई जाएगी। इस एकादशी व्रत को सुख और सौभाग्य का प्रतीक माना गया है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाएगी। एकादशी व्रत का सीधा प्रभाव मन और शरीर दोनों पर अधिक मात्रा में पड़ता है मित्रों। इसके अलावा एकादशी के व्रत से अशुभ संस्कारों को भी नष्ट किया जा सकता है। आइए जानते हैं शुभ मुहूर्त। एकादशी तिथि की शुरुआत 3 मई शुक्रवार को रात 11:24 से शुरू होगी और तिथि का समापन 4 मई शनिवार को रात 8:40 पर होगा। आइए जानते हैं पारण समय। 5 मई 2024 रविवार को सुबह 5:37 से सुबह 8:17 तक होगा। आइए जानते हैं महत्व। वरुथिनी एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति को भगवान विष्णु की कृपा तो प्राप्त होती ही होती है, साथ ही सुख समृद्धि की प्राप्ति भी होती है। वही वरुथिनी एकादशी का व्रत अन्न दान कन्या दान दोनों श्रेष्ठ दानों का फल प्राप्त होता है। वही आपको बता दें कि इस एकादशी पर भगवान विष्णु के वराह अवतार की पूजा अर्चना की जानी चाहिए। आइए जानते हैं पूजा विधि। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ वस्त्र धारण करें। इसके पश्चात मंदिर की साफ सफाई कर लें। फिर देवी देवताओं को गंगा जल से स्नान कराकर उन्हें साफ वस्त्र पहनाएं और मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। इसके बाद व्रत का संकल्प लें और भगवान विष्णु का ध्यान करें। इस दिन भगवान विष्णु के साथ ही माँ लक्ष्मी की पूजा भी करनी चाहिए। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी दल अर्पित करें। अंत में आरती कर व्रत कथा सुने या पढ़े और अगले दिन पारण कर प्रसाद को गरीबों में बांट दे। आइए जानते हैं व्रत कथा। इस एकादशी व्रत की कथा के अनुसार प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मांथथा नामक राजा राज्य करता था। मित्रों, वह अत्यंत दानशील तथा तपस्वी भी था। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहा था, तभी न जाने कहां से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा पूर्ववत अपनी तपस्या में लीन रहे। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत ही घबराया, मगर तापस धर्म अनुकूल उसने क्रोध और हिंसा न करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। करुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। उसकी पुकार सुनकर भगवान श्रीहरि विष्णु प्रकट हो गए और उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही शोकाकुल हुआ। उसे दुख देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत कर। तुम मथुरा जाओ और वरुथिनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी वराह अवतार की पूजा करो। उसके प्रभाव से पुनः सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है, यह तुम्हारे पूर्व जन्म के अपराध थे और यह भालू जो मर गया है, वह उस भालू के भी पूर्व जन्म के अपराध थे। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मांथथा ने मथुरा जाकर श्रद्धापूर्वक वरुथिनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। अंततः जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है, उसे वरुथिनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि जो व्यक्ति विधिवत इस एकादशी व्रत को करते हैं, उनको स्वर्ग लोक की प्राप्ति भी होती है। इसका फल गंगा स्नान के फल से भी अधिक माना गया है। इस व्रत के महात्म को पढ़ने से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। अंततः मनुष्य को धर्म कर्म करते हुए जीवन व्यापन करना चाहिए मित्रों, और पाप कर्मों से दूर रहना चाहिए तथा पापों को करने से डरना भी चाहिए और निरंतर भगवान श्री हरि की तपस्या में लीन रहना चाहिए। आप सभी को वरुथिनी एकादशी की हार्दिक 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 शुभकामनाएं। शुभम भवतु कल्याणमोस्तु।